बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरबिया से लाइव हूँ आपके साथ मैं। अच्छा, कुछ भाई मुझे कमेंट कर रहे हैं, बहुत से भाई तो ये कमेंट कर रहे हैं कि भाई अभी तक मेरा इकामा नहीं बढ़ा है, मेरी छुट्टी नहीं बढ़ी है। इसके मुतलक तो मैं वीडियो आपके साथ वक्तन फ़क्तन डिटेल के साथ शेयर कर चुका हूँ यार, आपको क्या करना होगा। इस वीडियो में शॉर्टली आपको बता देता हूँ, आप वेट करें, अपना अवसर अचक करते रहें, आपका इकामा, आपका छुट्टी इंशाल्लाह ताला जल्द बढ़ जाएगा। अगर फिर भी आपको जल्दी है तो फिर भाई आप अपने कफील से रब्ता कर सकते हैं, या किसी ऐसे दोस्त से रब्ता कर लें जो किसी मकतब में चला जाए या जवाजात में चला जाए, वहाँ पर जाकर आपका इकामा, आपकी छुट्टी अपडेट करवा ले। अच्छा, वो एक अलग से वीडियो भी मैं शेयर कर चुका हूँ। बहरहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई कि अगर आप सऊदी अरेबिया में अभी न्यू आए हैं, कुछ भाई मुझे इसके मुतलक भी कमेंट कर रहे हैं, भाई मुझे 2 दिन हुए हैं, 4 दिन हुए हैं, मैं 30 को आया था, तो क्या मेरा इकामा या मेरी छुट्टी भी, अभी छुट्टी तो नहीं बढ़ सकती, जाहिर सी बात आप सऊदी अरेबिया में इंटर हो चुके हैं, तो मेरा इकामा क्या बढ़ जाएगा 31 जनवरी तक? मैं अभी 2 दिन पहले आया हूँ, यानी कि शाही फरमान के बाद सऊदी अरेबिया में इंटर हुआ हूँ, तो क्या मेरा इकामा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो भाई आपके लिए ये है कि जो पाकिस्तानी भाई पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, अपने इकामे और छुट्टी का इंतजार कर रखे हैं, कब बढ़ेंगे, उनके बढ़ चुके हैं, वो भी अभी यही देख रखे हैं कि हमारे कब बढ़ेंगे, भाई हमारे बढ़े तो हम टिकट लेकर सऊदी अरेबिया वापस आएँ, उनके अभी तक नहीं बढ़े हैं तो आप भाई सऊदी अरेबिया में इंटर हो चुके हैं। जब आप सऊदी अरेबिया में इंटर हो चुके हैं, आपका नाम रिकॉर्ड में आ चुका है कि आप सऊदी अरेबिया में पहुंच चुके हैं, तो आपका इकामा अभी कैसे बढ़ सकता है? भाई इकामे उनके बढ़ेंगे जो आउट ऑफ किंगडम हैं, जो सऊदी अरेबिया से बाहर बैठे हुए हैं, उनके इकामे, उनकी छुट्टी बढ़ेंगी ताकि वो सऊदी अरेबिया में इंटर हो सकें। आप तो सऊदी अरेबिया में इंटर हो चुके हैं, आपका इकामा भाई अभी कैसे बढ़ सकता है? लिहाजा अपना इकामा आपको आप खुद लगवाना पड़ेगा। हाँ, 3 माह का ऑप्शन है, आप 3 माह का तजदीद करवा लें, वरना साल का तो फिर चल ही रहा है।